तेरी मेरी मेरी तेरी खट्टी मिट्टी है लव स्टोरी। अम्मी आप खुद आ गई, मुझे बुला लिया था। मेरे बुलाने पे आ जाया करोगे? मैं समझा नहीं। दो दिन से देख रही हूँ मैं, ये तुम आमना के पीछे पीछे हो रहे हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं अम्मी। अच्छा, कल छत पे कौन गया था? अच्छा वो तो मैं उसे टोकने के लिए गया था। जब से आपने मुझे बताया कि नादिया छुप छुप के बिलाल से मिलती है, तो मेरा फर्ज बनता था ना कि मैं उसे रोकूं। हाँ, जैसे वो तो मान गई होगी, है ना? अरे 100 कहानियां गढ़ी होंगी, बहुत सारे बहाने बनाए होंगे। नहीं अम्मी, उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। अच्छा, देखो जो भी है, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारी खैर मुझे अजीज है। अभी से वो नादिया के नक्शे कदम पर चल रही है, उसके तो पालने में ही पांव दिखाई दे रहे हैं। कल पता नहीं क्या करेगी। कल? कल क्या? मैंने महावरतन बोला है। तुम तो ना जी भर के बिल्कुल सीधे साधा से हो, और आमना, वाह, तौबा तौबा तौबा। अम्मी आप कहना क्या चाहती हो? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बेटा, लेकिन अभी वक्त ठीक नहीं है। बस अपनी यही खुददारी जो है ना, इसको जिंदा रखना, और जो मैं कहूँ ना वैसा ही ठीक समझना। अम्मी आपको पता है मैं तो हमेशा आपकी ही मानता हूँ। बेशक अब्बू आंखें बंद रखे, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आपके साथ इस घर में क्या सलूक हो रहा है। बस बेटा, हमने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार ही ली। गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मकान। बस मैं तो अब तुम्हें फलता फूलता देखना चाहती हूँ। बस बेटा आमना से होशियार रहना। हाँ, अब मैं ना तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। बैठो तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय। अरे यार, थैंक यू, पर तुम्हें इतनी जहमत करने की कोई जरूरत नहीं थी। जहमत कैसी? और प्लीज अब ये मत कह देना कि तुम सुबह सुबह भी चाय नहीं पीते। अरे नहीं, सुबह सुबह चाय तो मस्ट है, लव, पर ऑनेस्टली तुम्हें इतनी दिक्कत करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जरूरत थी, सब लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक कप चाय बनाई जाए और सुबह सुबह गपशप लगाई जाए। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जाग चुका हूँ? वो एक्चुअली तुम्हें व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखा तो पता चल गया। हां, यू स्टॉकर, वेरी स्मार्ट। हां, either stalker or smart, I know I'm both. Well, actually, थोड़ा सा upset था। क्यों? अरे वही, नादिया की वजह से। और क्या वजह हो सकती? क्यों? अब क्या कर दिया नादिया ने? मैंने उसे एक रिंग दी थी। और उसने फट से जाके रिंग वाली बात मामा को बताई। और मामा मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि मैंने बताए बगैर दी थी। So, what's a big deal? मामी जान क्यों मसला कर रही है? अरे क्योंकि उनको तो पहले दिन से मसला है। मतलब ये कि मामा कुछ खुश नहीं है इस रिश्ते से, और नादिया की ये बचकाना हरकतें ना मामला और भी खराब कर रही है। नादिया से बात की तुमने? अरे डांटा ऐसा मैंने उसे कि तो ठीक को कुछ फर्क पड़े तो ना, आगे से झूठ बोल रही मुझसे, कह रही है कि मैंने ये बात बताई नहीं, ये किसी और ने बताई, जबकि अंगूठी वाली बात उसके अलावा किसी और को पता ही नहीं थी। वाओ, आई मीन सीरियसली। कमल, तुम यहां बैठे हो? कल मैं तुमसे बात करने आई थी, तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, और अपने क्या कर चले गए सारी। सुनना भी नहीं चाहता, न कल और न ही आज। ऐसा भी क्या हो गया है? देखो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे कामरान। हाँ, क्योंकि अब मेरी आंखें खुली हैं। तुम्हारी आंखें ना बचपन से ही खुली हैं। ये लड़की तो नखरे क्यों दिखा रहे हो मुझे? खुश नसीब हो जो मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। एक तो गलती कर रही हो और ऊपर से इतरा भी रही हो। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने जिसकी माफी नहीं मिल रही है? एक तो एहसास भी करो, ऊपर से नखरे भी सहने पड़े सामने से। अच्छा, मनाने के लिए आई है? ऐसे मनाते हैं? क्या वाकई? हाँ मामा, बिलाल ने इनफैक्ट मुझे खुद बताया है कि मामी जान ज्यादा खुश नहीं है उसकी शादी से। ये तो बहुत काम की इन्फॉर्मेशन निकली है, मतलब हमारा काम और भी आसान हो गया। एग्जैक्टली, और इस वक्त बिलाल नाराज भी है नादिया से, मीन्स इट्स अ हाई टाइम फॉर अस।
लोहा गरम है और दौड़ा मारने का बिल्कुल सही वक्त आ गया। बस मामा, आप मामू और मामी जान को हैंडल करें, बिलाल को उस नादिया से कैसे दूर रखना है मुझे अच्छी तरह से पता है। ठीक है समीना, बिलाल ने तुम्हें ना बताकर गलती की, लेकिन तुमने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। क्या मतलब ओवर रिएक्ट? क्या मुझे ऐसी बात पर गुस्सा नहीं आएगा? ये कोई अनोखी बात नहीं है, लड़के लड़कियां मंगने के बाद आपस में मिलते भी हैं और गिफ्ट्स भी देते। मुझे सिर्फ ना बताने वाली बात पर गुस्सा आया, और रही बात गिफ्ट्स के लेन देन की, तो ये यक तरफा मामला है। वो तो कब से गिफ्ट बटोर रही है। तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, अमूमन लड़के गिफ्ट्स देते हैं। उनके तो खानदान में कभी किसी ने नहीं देखी होगी डायमंड रिंग। चलो अब तो रिश्ता हो गया ना, अब इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। और वैसे भी नादिया तुम्हारी होने वाली बहू है, तुम उसके सोशल स्टेटस पे कमेंट करोगी ना तो बिलाल को बहुत बुरा लगेगा। मुझे हैरत हो रही है और बहुत गुस्सा आ रहा है बिलाल पर। समीना काम डाउन प्लीज, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, तुम इस तरह हाइपर होती रहोगी तो कैसे चलेगा। चलो मुझे अच्छी सी कॉफी पिलाओ अपने हाथ की। मैं नहीं बना रही इस वक्त, मैं गुस्से में गरम गरम कॉफी। मेरी माने तो आप ना अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लें। वो क्या होता है? हाथ पांव की सफाई होती है अम्मा जान। वो ये जो आपकी खुश एड़ियां हुई है ना, ये बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगी और बहुत खूबसूरत पांव हो जाएंगे आपके। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना बना, ठीक से पांव दबा। अम्मा जान, वो मैंने सुना कि बिलाल की पुप्पी ने नादिया के लिए कोई बहुत गलत किस्म का लतीफा सुनाया था। तो मैंने जो जवाब दिया था वो नहीं तुझे पता चला? हाँ अम्मा जान, वो भी सुना, लेकिन मैं तो ना उनकी डिटाई पर हैरान हूँ। मतलब हमारे ही घर में बैठ के हमारे ही घर की बच्ची को बदसूरत कहती है। मुझे तो लगता है उस औरत का दिमाग खराब है, ऐसी हंसी जा रही थी, हंसी जा रही थी, हंसी जा रही थी। रहने दे अम्मा जान, आजकल के जमाने में किसी का दिमाग खराब नहीं होता। ये जो मॉडर्न फैमिली वाले लोग होते हैं ना, ये तो अपने आप को खुदा की अफजल तरीन मखलूक समझते हैं। हम इन जैसे नहीं है ना, इसलिए हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हम पे लतीफे सुना रहे थे। हाँ अच्छा, अब अपना फलसफा ना झाड़ मुझ पर, पैर दबा ठीक से, दर्द हो रहा है पाँव में। अस्सलाम वालेकुम, घर में कोई नहीं है क्या? उल्लू बोल रहे हैं। कहीं भाग तो नहीं गए मेरे पैसे लेके? अस्सलाम वालेकुम पापा, मुझे लगता है कि सचमुच भाग गए। तुम कौन हो बहन? किससे मिलना आपको?
वो जो इस घर में वो रहती थी समीना आपा किधर? जी मैं उनकी नंद हूँ। जान ही निकल गई थी, मैं समझी कि ये लोग भाग के मेरे पैसे लेके ईमान से। आपको भाभी से मिला? हाँ 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 वही, वो घर में है। वो घर पर ही है, लेकिन आपको किस सिलसिले में मिला? मैंने उनके बेटे का रिश्ता कराया ना, मैं वही हूँ। अच्छा भाभी घर है। भाभी आपसे कोई खातून मिलने आई है? रशीदा 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 भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। लखावी ले लिया। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। तुमने तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। क्यों याद करती तुम्हें मैं? लो भाई हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है। एक्सक्यूज मी, कौन सा ताल्लुक? क्या बात है आपा, आज बहुत गुस्से में हो। फजूल बातें मत करो, आने का मकसद बताओ बस। भाई अपने पैसों के लिए आई थी, अब तो दे दो, अब तो शादी भी होने वाली है। फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें मैं। क्या क्यों? जिस तरह के लोगों में तुमने रिश्ता करवाया ना, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। आइंदा यहाँ मत आना, चलो जाओ यहाँ से जाओ। ये क्या जलालत है, मेरा हक मार के ना कहीं की नहीं रहोगी आपा तुम। बंद करो अपनी बकवास और जाओ यहाँ से। ये सही नहीं कर रही आपा तुम, जाहिल आदमी की राय और गरीब की आह नहीं लेना चाहिए, बर्बाद हो जाता है। Shut up, get lost. देखो इंग्लिश इंग्लिश बोल के तुम बच नहीं सकती हो। याद रखो रशीदा की जो बदबू है ना आती ही नस्लों तक जाती है और उनकी औलाद है ना लंगड़ी लूली पैदा होती है। मैं तुमसे कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये भी नहीं दूंगी। अल्लाह गारत करे तुम लोगों को, मेरे पैसे खा गए। अल्लाह गारत करे इन मनहूसों को, कमबख्त मैंने मेरा हक मार दिया। क्या है क्यों रास्ता रोका है मेरा? कितने पैसे हैं तुम्हारे? हैं 15,000 रुपए। तुम्हारी मनहूस भाभी मेरे पैसे खा गई। याद रखना इसके ये पैसे निकलेंगे और अस्पतालों में निकलेंगे, और रशीदा की बदवा जो है ना वो सर दर्द की गोली है ना उससे ज्यादा तेज असर करती है। और बदवाएं देने से क्या होगा? कुछ भी नहीं बड़ी आपा, हम गरीब लोग हैं, बदवाओं के अलावा और क्या दे सकते हैं। एक बात कहूं रशीदा? हाँ। अगर अपना हक मांगने से ना मिले ना तो छीन लेना चाहिए। इसमें कोई इतनी हंसने वाली तो बात नहीं है। जो मैं बात कह रही हूँ ना उसे गौर से सुनो। समीना भाभी ने सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं रोके, तुम्हें जलील भी किया है। पैसा तो आनी जानी चीज है, लेकिन इज्जत एक दफा चली जाए और उस पर समझौता कर लेना तो फिर आप बेगैरत होते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो गरीब हूं। ये क्या गरीब गरीब लगाया हुआ है? गरीब तो सबसे ज्यादा गैरतमंद होते हैं। मैं वाहिद गरीब हूँ जो बहुत बेगैरत हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। वो मेरे बड़े मामू जो महरूम है ना, वो अपनी बीवी को बहुत पीटते थे गैरत के नाम पे। तुम्हारा भी दिल चाह रहा होगा ना कि तुम इस बेइज्जती का बदला लो। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं इस बात का बदला लूं उससे। तो लो ना बदला। ऐसे आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। रंग में भंग डाल दूंगी ना तो तुम्हारी भाभी को पता लग जाएगा। अब इस नेक काम में देर मत करना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी है मेरे बदला लेने में? अगर इस सवाल के जवाब में मैं तुम्हें वो फीस तुम्हें दे दूं जो भाभी ने रोक दी है, यानी कि पूरे 15,000, तो दोबारा तो नहीं करोगी ना ये सवाल? हाँ वो सवाल कैसा सवाल, कहाँ का, वो तो मेरे दिमाग से ही हट गया, बाढ़ में जाए ऐसा सवाल। अच्छा बाकी पैसे कब दोगी? तुम मेरा नंबर ले लो, जैसे ये काम करोगी ना मुझे तुम इन्फॉर्म करना, उसी वक्त तुम्हें पैसे दे दूंगी। अच्छा अब अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अपना नंबर दो, ये लो पकड़ो अपना नंबर। बताना क्या नंबर है, मैं लिख लूं। हाँ बोलो। कहाँ लिखोगी? बस लिख लूंगी, बोलो तो सही। 03 03
बिलाल अभी तक अपसेट हो? अरे नहीं नहीं क्या नहीं नहीं शक्ल से पता चल रहा है कि अपसेट हो। वैसे कुछ बात हुई नादिया से? फोन आ रहा था उसका लेकिन उठाया नहीं मैंने। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों, उसकी हरकतें ही ऐसी, नाराज हूं मैं उससे, बात भी नहीं करूं। वैसे गुस्से वाली बात भी है। मामा ने तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, मामी जान ने तो मेरे सामने कुछ नहीं कहा। यार अजीब सिचुएशन हो गई है, ये समझ में नहीं आ रहा कि नादिया को समझाऊं या मामा को। अभी तो किसी को कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बस जल्दी जाओ चेंज करो। क्यों? खड़े क्या हो, जल्दी जाके चेंज करो, शॉपिंग पे चलना है। अभी? क्यों नहीं लेके जाओगे मुझे शॉपिंग पे? मुझे कुछ लेना है और वैसे अभी हम बाहर जाएंगे तो यू विल फील बेटर। यू नो तुम शायद सही कह रही हो, मैं चेंज करके आता। नादिया पागल मत बनो, जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। उसे एक मैसेज करो, पूछो तुम्हारी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। क्या मैसेज है? लिखा है कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो और मुझे बेवकूफ लोग पसंद नहीं है।